It's mind blowing. It's a blast, actually. I never expected, thanks to Adivi Sesh, to make such kind of movies. And हमें सच पता चला संदीप उन्नीकृष्णन जी के बारे में. किसी को पता नहीं था. Thanks to bring this story for us. It's really a proud moment. Thank you so much. Best part, actually the whole movie was best, but after interval, the जो लोग हैं बहुत emotional हो गए थे. So that's what I said. उनकी acting अच्छी है, लेकिन अदि विशेष और प्रकाश राज जी हैं, उन्होंने बहुत कमाल का acting किया है. सबको, जो भी major team है, सबको मेरे तरफ से एक बहुत अच्छा ही है. जी जी जी. इट शुड बी अ ब्लॉकबास्टर, क्योंकि अभी हम पृथ्वीराज विक्रम हल दोनों अलग अलग अपनी जगह पे, तो हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. सो आई वांट कि पूरी इंडिया ये मूवी देखे, हर जो भी हिंदुस्तानी है वो ये मूवी जाके देखे, क्योंकि 26/11 जो था वो हमारा एक ब्लैक डे था उस दिन. सो आई वांट एवरीवन शुड वॉच. आई कांट गिव दिस मूवी अ रेटिंग, क्योंकि इट्स बियॉन्ड दैट. आई मीन वी कांट गिव सच काइंड ऑफ मूवीज अ रेटिंग. So it doesn't deserve. So you mean to say that it is all the five? Yeah, yeah. It's 5 out of 5. It's 100. Yeah. But it's a very good movie. I'm telling you. अब ये देखो, मेरी बात सुनो. वो लड़का मेजर संदीप, उसने वो ने जो सिनेमाटोग्राफी है ना, जो सिनेमाटोग्राफी है, वो बच्चा देख रहा है, उसी डैडी के कंधे में बैठ के सडनली नेवी डे दिखाते हैं. वहाँ से ड्रीम उसका शुरू होता है कि वो नेवी में जाना चाहता है. नेवी से रिजेक्ट होता है, वो एनएसजी में जाता है. ये हमारे हीरोज हैं, और हम लोग डिबेट देख रहे हैं यार. हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग इनकी इन्होंने किसके लिए जान दी है, हमें बचाने के लिए. और हमारी मीडिया ये नहीं सकती कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे पॉल्यूशन हटे, हमारे यहाँ से फैक्ट्रीज लगे, ताकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को बेटर वेपन मिल पाए, हमारे डिफेंस सिस्टम बन पाए. एक जापानीज, एक कोरियन, एक कैनेडियन, एक यूरोपियन बैठ के मजे से रह रहा है, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है. हमारे यहाँ पे कुछ माँ है जिनके बच्चे में इतनी वीरता है, जो जाके यहाँ लड़ रहे हैं, कम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, अकेले गया वो ऊपर. एंड ही सेड डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम. मुझे नहीं देना इंटरव्यू यार, जाओ यार. अरे यार, सब लोग यार, है क्या पानी की? अरे यार, क्या है हम लोगों में कुछ बचा है अंदर क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ डीआरपी. वो यही बोल रहे थे टीवी, उसमें भी मूवी में भी डायलॉग है. उनके सीनियर बोलते हैं कि मैं लिखा हुआ डाला इतना. उनके ऑफिसर्स ने उनको बोला कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर है. उनको नहीं जाना था मिशन पे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे. लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर मैं जानता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ मरीन इंजीनियरिंग में लोगों को. मैं जानता हूँ कि जब आप ट्रेन करते हो, जब आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कैप्टन, चीफ इंजीनियर जो पढ़ रहे होते हैं, अगर जब आप फ्रंट पे होते हैं, आपको प्रूव करना होता है कि जो आपने ट्रेन किया वो आप करके दिखा सकते हो या नहीं. और उसने दिखाया, उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं करता हूँ. उसको जाना भी नहीं था उस मिशन पे यार, और वो गया. वो उसमें वो जज्बा है यार, वो उसे देखो सब लोग जाके. प्लीज़ यार, मेरा रिएक्शन मत देखो, उसे देखो, हॉल भर दो इसको यार. और ये कौन सी मूवीज़ देख रहे हैं हम लोग, हमें कहाँ जाना है, दूसरे लोग कहाँ पहुँच जाएंगे दुनिया के, और हम लोग कहाँ रह जाएंगे, डिबेट देखते रह जाएंगे यार. मीडिया क्या कर रहे हो, इसलिए जान दे रहे हैं हमारे लोग हीरोज आके. अरे यार, सबसे बड़ी जयचंद मीडिया है, कमीनी कुत्ती है लाली. ये साले रोज शाम को आ जाएंगे और बोलेंगे कि लाली तुम्हारा ये है. अरे वो हमारे लोग हैं यार, हमारे लोग हैं. हम लोग यार एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं. एक कोरियन, एक जापानीज, एक यूरोपियन बंदा बैठ के आराम से कॉफ़ी पी रहे, एसी में रह रहे. हमारे माँ बाप को हम एसी के कमरे नहीं दे पा रहे. हमारी बिल्डिंग्स, हमारी रोड, हमारी मेट्रो इतने साल से नहीं बनी यार. वहाँ चाइना में देखो क्या डेवलपमेंट हो गया, दुबई में देखो यार, हम लोग क्या डिबेट देख रहे हैं, पागल है हम लोग. और हमारे लड़के यहाँ पे, जब उनके लोग आते तो हमारे लड़के आके यहाँ पे उनसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं. उसके अलावा मैं सारे ब्रिटिशर्स को, कमीनों को गाली देना चाहता हूँ. उन्होंने कंट्री का विभाजन किया, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम डाला, इंडिया पाकिस्तान डाला. सबसे गंदे ये लोग हैं साले यूके वाले,
इनके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता क्योंकि ये अमीर है, ये मीडिया दबा देते हैं, ये हमारे दुश्मन है, कोई हमारे इंडियन पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कोई बुरा इंसान नहीं है, हम भाई हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं हम, इन्होंने हमें करके गए और हम बेवकूफ बने जा रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम लोग जब पैदा हुए थे उस दिन से आज तक हमने हमें किसने मार दिया, हमारे की तुम लोग गए भी हो एक बार मंदिर में यार, हम जाते तक नहीं है, छः महीने में साल में एक बार मंदिर जाते हैं हम, लेकिन हम रोज डिबेट देखते हैं। इसके बदले अगर हम उसे थोड़ा देर पढ़ाई कर ले या थोड़ा देर कुछ काम करें, हमने देश को आगे बढ़ाए ताकि हमारे सोल्जर्स को ऐसे ना मरना पड़े, हमारे डिफेंस सिस्टम अच्छे हो सकते हैं, आज फ्रांस में घुस सकते हो क्या तुम ऐसे जैसे हमारे इनके कमांडोज आ गए, हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, वो हमारे लिए मरा यार वो, तुम लोग क्या कर रहे हो यार।